नमस्कार, YouTube चैनल एन इनवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, कि स्टील को हम किस किस आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टील आयरन और कार्बन और कई दूसरे एलिमेंट्स का एक अलॉय होता है, और जो स्टील है यह डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल है। लेकिन हम स्टील में प्रेजेंट कार्बन कंटेंट और अलॉइंग एलिमेंट्स की कंपोजिशन के आधार पर स्टील को कैटेगराइज करते हैं। स्टील की मेनली दो कैटेगरी हैं, पहली है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरी है अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में आयरन और कार्बन होता है, और इसके अतिरिक्त इसमें सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर और फॉस्फोरस इम्प्योरिटीज के रूप में इसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन जो प्लेन कार्बन स्टील है, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर मेनली डिपेंड करती हैं कार्बन कंटेंट के आधार पर। तो कार्बन कंटेंट के आधार पर प्लेन कार्बन स्टील को कैटेगराइज किया गया है। वह तीन प्रकार से है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट रहता है वह 0.15% से 0.3% होता है, और लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील कहा जाता है। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट रहता है वह 0.3% से 0.6% तक रहता है, और इसे हम मशीनरी स्टील भी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है प्लेन कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील, जिसे हम हार्ड स्टील और टूल स्टील भी कहते हैं, और इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.6% से ज़्यादा होता है, और कह सकते हैं कि 0.6 से 2.14%। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट वेरीज करता है वो 0.6% से 1.5% तक रहता है। और इसके बाद कि जो प्लेन कार्बन स्टील की हमने कैटेगराइजेशन की है, ये सारी कार्बन कंटेंट पर आधारित है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन कार्बन स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बदलाव आता है। क्योंकि कार्बन कंटेंट के बढ़ने से स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है, टफनेस कम हो जाती है, वेल्डेबिलिटी भी कम हो जाती है। उसके बाद है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील वह स्टील है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ताकि हमें जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टील की वो हमें मिल जाएं। और कह सकते हैं कि जब स्टील की प्रॉपर्टीज़ को हमें इम्प्रूव करना है तब हम उसमें अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लेन कार्बन स्टील है वहाँ से हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते इस जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम उस कार्बन स्टील के अंदर कुछ अलॉइंग एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन को ऐड करते हैं, और हमें अलॉय स्टील मिलता है। और अलॉय स्टील में हमें वीरिंग रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की इम्प्रूवमेंट हमें मिल जाती है। और कह सकते हैं कि जो अलॉय स्टील है उसका वीरिंग रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वह प्लेन कार्बन स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। अलॉय स्टील को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। लो अलॉय स्टील में जो अलॉइंग एलिमेंट होते हैं उनकी परसेंटेज 8% से कम रहती है, जिसमें हम कार्बन कंटेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। और लो अलॉय स्टील का अगर एग्जांपल की बात करें, उसमें निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल क्रोम स्टील, वेनेडियम स्टील, मैंगनीज स्टील, टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन मैंगनीज स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील इत्यादि। अगर हम हाई कार्बन स्टील की बात करें, हाई कार्बन स्टील में जो अलॉइंग एलिमेंट हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 8% से ज़्यादा रहती है, और इसमें भी हम कार्बन कंटेंट को इंक्लूड नहीं करते। तो हाई अलॉय स्टील की जो फर्दर कैटेगराइजेशन है उसमें आते हैं स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। स्टेनलेस स्टील की भी तीन कैटेगरी मेनली बनती हैं, जिसमें ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टन सेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील
और जो टूल स्टील होता है उसमें हाई स्पीड टूल स्टील की फर्दर कैटेगरी हैं 1841 हाई स्पीड स्टील, मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील, सुपर हाई स्पीड स्टील, वेनेडियम हाई स्पीड स्टील। तो इस प्रकार से अलोइंग एलिमेंट्स और कार्बन कंटेंट के आधार पर स्टील का कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली लो कार्बन स्टील के बारे में, मीडियम कार्बन स्टील के बारे में, हाई कार्बन स्टील के बारे में और अलॉय स्टील्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।